महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल का सरकार में विलीनीकरण करने की मांग को लेकर कनिष्ठपेठ बस डिपो के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच संत गाड़गी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट और भाजपा कामगार अघाड़ी की ओर से एसटी के निलंबित कर्मचारियों में विधायक विकास कुंभारे के हाथों अनाज किट का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक गिरीश व्यास उपस्थित थे। अब तक राज्य में एसटी के कई कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। भाजपा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि वे मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। इसी को निभाते हुए संत गाड़गी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट और भाजपा कामगार अघाड़ी की ओर से एसटी के निलंबित कर्मचारियों में विधायक विकास कुंभारे के हाथों अनाज किट का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक गिरीश व्यास उपस्थित थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एसटी कर्मचारियों को लेकर निष्क्रिय है, निष्ठुर है और वो कर्मचारियों पर अन्याय कर रही है। महाराष्ट्र एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गेल्या 80-85 दिवसापासून सातत्याने चालू आहे। अनेक कर्मचाऱ्यांचं बलिदान झालं, पण या सरकारच्या कानावर कुठल्याही पद्धतीने प्रश्न अद्यापही पोहोचलेला नाही। सरकार निष्क्रिय निष्ठुर आहे, अन्याय करतात कर्मचाऱ्यांच्या परिवारांवर। हे कर्मचारी आंदोलन करतात, त्यांची छोटी मागणी आहे की आम्ही जीव घालून धोक्यात घालून आम्ही प्रवाशांची सेवा करतो, सरकारला उत्पन्न मिळवून देतो। या महामंडळातल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश सरकारी कर्मचारी म्हणून व्हावा ही त्यांची एक शुद्ध मागणी आहे, परंतु अजूनही सरकारने त्या निर्णयावर कुठेही विचार केलेला नाही। त्यांना थातुरमातुर उत्तरं देतात, 2-4 हजाराची पगारवाढ देतात। आज प्रायव्हेट ड्रायव्हरला, प्रायव्हेट कंडक्टरला, प्रायव्हेट मेकॅनिकला जेवढे पैसे मिळतात त्यापेक्षा कमी स्थिती आज या लोकांची इथे आहे, आणि त्यामुळे सातत्याने पूर्ण राज्यभर सर्वात मोठा संप म्हटला जाईल हा संप चालू आहे। कर्मचारी भुकेले आहेत, त्यांना वेतनाची अडचण आहे, निलंबन झालेलं आहे, आणि त्या याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एक छोटा आणि छोटा फुलन फुलाची पाकळी म्हणून त्यांना मदत करायला जीवनावश्यक वस्तूंच्या किट वाटतंय। कामगार आघाडीचे भास्कर पराते यांच्या माध्यमातून 50-60 किट आम्ही दिल्या। आज पुन्हा विविध आगारांमधल्या लोकांना बापू चिखले आमचे नगरसेवक आणि आमच्या शर्माताई यांच्या माध्यमातून आज विकासजी कुंभारेंच्या उपस्थितीत आम्ही पुन्हा या किट इथे वाटप केले आहेत। या आंदोलन जोपर्यंत हे कर्मचारी करतील तोपर्यंत त्यांना जी काही मदत लागेल फुल्ल फुलाची पाकळी भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या बरोबर परिवाराबरोबर उभा राहील एवढंच आम्ही आपल्या माध्यमातून सांगतो। सरकारने याचा निर्णय लवकर करावा ही आमची मागणी। प्रमोद कोकांडे। इस दौरान आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि एसटी कर्मचारियों ने राज्य सरकार से एक छोटी सी मांग की थी, लेकिन उसे भी सरकार पूरा नहीं कर पाई और ना इस बाबत उन्होंने अब तक कोई निर्णय लिया है। इसलिए भाजपा एसटी कर्मचारियों को मदद मिले इस दृष्टि से अनाज किट देकर एक छोटी सी सहायता कर रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज, नागपुर।